नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बच्चों का और बड़ों का सभी का फेवरेट स्नैक फ्रेंच फ्राइज। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 आलू शुगर फ्री। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। आलू के छिलके हमने उतार लिए हैं और अब हम इनको फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट करेंगे। आलू को फ्रेंच फ्राइज के शेप में कट करने के लिए सबसे पहले हम इसके थोड़े मोटे मोटे इस तरह से रिंग बना लेंगे और रिंग बनाने के बाद इस तरह से हम पतली पतली इसकी स्टिक कटेंगे कट करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए फ्रेंच फ्राइज का शेप जो होता है उस आकार में ये कट चुकी है। सारे आलू को हम इसी तरह से काट लेंगे। फ्रेंच फ्राइज के लिए जैसी स्टिक होनी चाहिए उस तरह की स्टिक हमने ऑलरेडी कट कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा। पानी डालकर हम इसको अच्छे से धो लेंगे। आलू की स्टिक जो है वो पानी में से निकाल कर हम एक कपड़े में डालेंगे और इनको अच्छे से सूखा कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज हमारे कपड़े की मदद से सूखे हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखेंगे और उसमें एक एक करके हमारी फ्रेंच फ्राइज स्टिक जो है वो फ्राई करने के लिए छोड़ते जाएंगे। तेज आंच पे फ्रेंच फ्राइज की स्टिक को हम तलते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वो ब्राउन नहीं होनी चाहिए, व्हाइट ही रहेगी और इसमें करारापन भी आ जाएगा। सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ही जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज जो है ब्राउन नहीं हुए हैं लेकिन काफी कुरकुरे हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे एक प्लेट में। फ्रेंच फ्राइज जो है हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इसमें हम सबसे पहले स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा ऑरेगेनो और साथ ही में हम थोड़ा सा छिड़केंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो दोस्तों आप सिर्फ नमक और मिर्च जो होता है वो भी सिंपली छिड़क सकते हैं। साथ ही में हम स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेंच फ्राइज हमारे नमक मिर्ची मसाला लगाकर रेडी हो गए हैं। सर्व कर रही हूँ साथ में आपको मैं टोमेटो सॉस। दोस्तों बिल्कुल मार्केट जैसे बनने वाले ये फ्रेंच फ्राइज आप बना कर देखिए। मैंने बनाए थे इनको शुगर फ्री आलू से। आप चाहे तो नॉर्मल आलू जो होते हैं वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और उनका भी स्वाद बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए।